One, two, three, stop. हेलो फ्रेंड्स, आज के फिर आप लोगों का एक तो वीडियो नहीं चले सी, ठीक है? आज के वर्लपूलर वॉशिंग मशीन वाइपवाजी क्लासिक डिलक्स, ठीक है? सिक्स के जी अनबॉक्सिंग करूँ, ठीक है? तो चलूँ देखा जाए आज के वीडियो टा येलो बॉक्स है, अमेज़न ने छूटे इससे अमेज़न तक के तक परचेस करा है, ठीक है? এখানে 12 রকমের মোড দিয়েছে। ফার্স্ট মোড হলো নর্মাল মোড, সেকেন্ড হলো হেভি মোড, থার্ড হলো ডুপ্লিকেট মোড, ফোর্থ মোড হোয়াইট, আপনারা যদি কোনো হোয়াইট রে করতে চান, ঠিক আছে? এখানে টাইমার আছে, ঠিক আছে? এখানে ওয়াশ ড্রাই ওয়াশ আছে, আছে এখানে একটা সব থেকে ভালো দিয়েছে এক্সপ্রেস ওয়াশ, ঠিক আছে? এক্সপ্রেস ওয়াশ করে মানে আপনি এটা দিলে মিনিমাম টাইমের মধ্যেই, ঠিক আছে, এটা কাপড়টা কাপড় জামাগুলো পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসবে, ঠিক? এটার উইন্ডো, এটা টপ লোড, ভেতরটা হলো ভেতরে ইনস্টলেশন করতে আসবে, এখন ইনস্টলেশন করতে আসেনি, ইনস্টলেশন করতে যখন আসবে তখন তার একটা ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। ওয়ার্লপুল হোয়াইট ম্যাজিক রয়্যাল
এটা। आपका सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ब्रांड वर्लपूल है, टॉप लोड है, 6 kg की मशीन है। इसमें लुक वाइज काफ़ी अच्छा भी दिया है, वॉश क्वालिटी अच्छी मिलती है इसमें, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है इस मशीन का। दोस्तों इसमें देखो स्मार्ट सेंसर भी आता है, स्मार्ट सेंसर की जैसे कि पानी कभी नहीं ले रहा है मशीन, या आप नल बंद कर दिए भूल गए हो, तो इसमें रेड कलर यहाँ पर लाइट जलने लगी। देखो चेक वाटर में देख सकते हो आप, चेक वाटर में यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगी, मतलब आपको नल बंद है, पानी नहीं आ रहा है। दूसरा इसमें ये भी वोल्टेज जैसा भी, पावर कभी कम हुआ ज़्यादा हुआ कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे रेड लाइट जलने लगेगी, मशीन स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपको पावर का प्रॉब्लम है, पावर कंजप्शन है, अप डाउन पावर हो रहा है। दोस्तों आप किसी चीज़ दोस्तों देखो इसमें पावर बटन है, पावर करोगे तो मशीन चालू हो जाएगा। तो जैसे ही चालू करोगे यहाँ पर देखो P1 नॉर्मल, यहाँ पर देखो P1 आ गया है। P1 मतलब डेली के कपड़े, डेली के कपड़े जो भी रहते हैं, साड़ी सूट जीन्स पैंट्स है जो भी है, आपको पावर देके डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है डेली के लिए। इसमें देखो सॉक होगा, वॉश होगा, रिंस होगा, ड्राई होगा। सॉक मीन्स कपड़े को भिगो के रखेगा, वॉश कपड़े को धुलेगा, रिंस कपड़े को निचोड़ेगा खंगालेगा, ड्राई कपड़े को सुखाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, बस आपको डेली चालू करना है, स्टार्ट करना है। ये जो राउंड कर रही है, ये देखो जो सर्कल में राउंड कर रहा है, ये मशीन को सेंस करता है। इसके बाद कपड़े के प्रमाण जितने कपड़े डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम बता देता है, जो भी टाइम रहेगा यहाँ पे बता देगा। ये देखो 33 मिनट आगे दोस्तों, 33 में सॉक वॉश रिंस ड्राई कपड़े को भिगो के रखेगा, धुलेगा, निचोड़ेगा, खंगालेगा, सुखाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो दोस्तों टफन ग्लास काफ़ी लुक वाइज भी है, टफन ग्लास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है, और 6 kg की मशीन है, लुक वाइज भी अच्छा है, वॉश क्वालिटी भी अच्छा मिलता है आपको। अगर सर आप दोस्तों अगर आप पाउडर यूज कर रहे हो तो पाउडर आपको यहाँ पर डालना है, अगर आप ब्लीच यूज कर रहे हो तो ब्लीच या लिक्विड आपको यहाँ पे डालना है, छोटे कपड़े आपको नीचे डालना है, बड़े कपड़े आपको ऊपर डालना है, कपड़े आपको चारों साइड बराबर डालना है, न कि एक साइड ऐसा नहीं, चारों साइड बराबर डालना है, कपड़े छुट्टक करके डालो, दबा दबा के नहीं डालना, कपड़े आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक डालना हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं, कम जितने कम रहेंगे आपको उतना वॉश क्वालिटी मिलेगा, आपको मशीन की लाइफ उतनी बढ़ेगी, मशीन भी बेस्ट चलेगा। ओके इतना तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको आप बताने जा रहा हूँ फंक्शन के बारे में, इसके फंक्शन क्या है इसमें ऐसा ये देखो दोस्तों, इसमें सबसे मेन क्या आता है, कस्टमर का सबसे बड़ा कंप्लेन यही रहता है कि कस्टमर बोलता है कि 33 बता रहा है लेकिन कपड़े धुलने में 1 से 1.5 घंटे लग जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी इसमें आपको ये देखना रहता है कि जो 33 बता रहा है ये टाइम्स, ये चारों प्रोसेस के टाइम रहते हैं, 1, 2, 3, 4 चारों प्रोसेस के 33 मिनट्स रहते हैं, और पानी लेने का टाइम प्रोसेस अलग रहता है, क्योंकि किसी के यहाँ पानी फास्ट आता है, किसी के यहाँ स्लो रहता है, तो मशीन में प्रॉब्लम नहीं रहता है दोस्तों, ये पानी में आने का प्रोसेस का प्रॉब्लम रहता है, जिसके यहाँ पानी का फोर्स जैसा रहे उसी हिसाब से पानी आता है। जैसे मान लो पानी लेने में आधा घंटा लग रहा है, मशीन का टाइम 32 मिनट्स हुआ, पूरा मिला के 1 घंटे हो जाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखो जो लाइट ब्लिंक करेंगे समझो वही प्रोसेस चल रहा है। सपोज मान लो देखो वाटर लेवल ऑटो की लाइट ब्लिंक है, समझो अभी पानी ले रहा है मशीन, उसकी लाइट ब्लिंक करें, समझो मान लो अगर सॉक की लाइट ब्लिंक कर रही है तो समझो सॉक का प्रोसेस चल रहा है, अगर वॉश की लाइट ब्लिंक है तो वॉश का चल रहा है, अगर रिंस की लाइट ब्लिंक कर रही तो रिंस का, अगर ड्राई चला तो ड्राई। जब दोस्तों जब कपड़े धुल जाएंगे यहाँ पे टाइम 0 आ जाएगा, प्लस एंड भी ले देगा, END मतलब समाप्त हो गए हैं, प्लस बजर भी बचेंगे, 75% कपड़े सूख जाएंगे, 25% आपको बाहर सुखाना है, बस आपको डेली चालू करना है और स्टार्ट करना है, कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करो, मशीन अपना काम करेगी, यही फुली ऑटोमेटिक के फायदे हैं। दोस्तों अगर आपको अदर प्रोग्राम यूज करना हो तो आपको प्रोग्राम की वाला प्रेस करना है, ये देखो यहाँ पे P2 आ गया, P2 मतलब हैवी कपड़े, जैसे डेली आप जो भी धुलना सब धुल सकते हो, अगर हैवी कपड़े खाली आपको जींस ही जींस या जाड़े कपड़े हैं, मोटे कपड़े आपको धुलना हो तो ये बटन प्रेस करके यहाँ पे P2 आ जाएगा, बस आपको स्टार्ट कर देना है डेली के जैसा, सॉक वॉश रिंस ड्राई सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, बस आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करके स्टार्ट दे देना और कुछ नहीं करना है। फिर से प्रेस करोगे आप P3 आ जाएगा, P3 मीन्स कि डेली के कपड़े आते हैं, पतले सिल्क वाले कपड़े आते हैं, कॉटन के कपड़े आते हैं, उसके लिए आपको स्टार्ट कर देना है, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होंगे। फिर से प्रेस करोगे आप P4 आ जाएगा, P4 ओनली फॉर वाइट, खाली सफ़ेद कपड़ों के लिए, खाली सफ़ेद कपड़ा को धुलना है,
प्रोग्राम सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट दे देना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। P5 हो गया स्टेन वॉश, ज़्यादा गंदे कपड़े के लिए, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े दाग धब्बे हैं इसमें। क्या जैसे डेली में आपने यूज किया तो इसमें 33 बता रहा था, अगर आप P5 यूज करोगे तो समथिंग एक घंटे जैसे टाइम इसमें बताएंगे, लगभग 1.5-2 घंटे लगेंगे कपड़े धुलने में। P5 में ज़्यादा गंदे कपड़े हो तो इसके यूज में रहता है। फिर से प्रेस करोगे आप P6 आ जाएगा। P6 में इको वॉश, वाटर सेवर है ये प्रोग्राम, पानी को बचाएगा। P7 हो गया उलर्स, ठंडी के गर्म कपड़े हैं, स्वेटर हैं, ऊनी कपड़े जो भी हैं आपको P7 ला के स्टार्ट कर देना है आपको। P8 हो गया बेड शीट, चादर, सोफ़ा कवर, पर्दे जो भी हैं आपको स्टार्ट कर देना, सब कुछ सेम डेली के जैसे सेम, सोक वॉश रेड ड्राई सब कुछ ऑटोमेटिक, बस आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, स्टार्ट करना है। P9 हो गया रिंस और ड्राई, कपड़े को निचोड़ेगा, खंगालेगा, सुखाएगा। सपोज जैसे कि आप बाहर कपड़े धुल लिए हो, खाली आपको निचोड़ना, खंगालना, सुखाना है, तो P9 लेके यहाँ पे देखो P9 आ गया, आपको स्टार्ट देना है। देखो दो लाइट जल रही ना, रिंस और ड्राई दो प्रोसेस होंगे, सोक वॉश नहीं होगा, ये आप बाहर कर चुके रहेंगे। फिर से प्रेस करोगे आप P10, कपड़े को सुखाएगा, खाली कपड़े आपको सुखाना है या ड्रम में पानी स्टॉप है आपको उसको निकालना है तो P10 ला के स्टार्ट कर देना है। देखो एक लाइट जल, खाली यही प्रोसेस होंगे, अदर नहीं होंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। P11 हो जाएगा वॉश ऑनली, खाली कपड़े को धुलेगा, देखो सोक वॉश ये प्रोसेस होंगे, रिंस ड्राई नहीं होंगे, ये आपको बाहर करना पड़ेगा। इसके बाद आता है P12, एक्वा स्टोर, ड्रम में पानी जमा करके रखेगा, जिससे कि आपको जैसे आप बाल्टी में रखते हो जमा करके, अगर आपको रखना हो तो P12 ला के स्टार्ट कर देना है। वैसे डेली फिर से पी होना है, जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करना है आपको, प्रोग्राम की से आप सिलेक्ट करके बैग आपको स्टार्ट दे देना है। इसके बाद आता है एक्सप्रेस वॉश, एक्सप्रेस वॉश मतलब कम गंदे कपड़े, जैसे शादी पार्टी वगैरह में गए आप 1-2 घंटे पहने उसके लिए, देखो ये प्रेस किया बटन आ गया, फिर आपको स्टार्ट देना है कम गंदे कपड़े के लिए। और वाटर लेवल मशीन ऑटोमेटिक ले ही लेगा, अगर आपको अपने हिसाब से करना हो तो आप यहाँ से कम ज़्यादा जो भी करना हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हार्ड वाटर वॉश, हार्ड वाटर वॉश छार वगैरह रहते हो निकालना हो तो उसके लिए है, ये प्रेस करना है आपको स्टार्ट कर देना है। डिले वॉश है, आप टाइम दे सकते हो जितना आपको टाइम देना हो, जिससे यच मतलब हावर्स 3 मतलब 3 घंटे बाद, जैसे आपने टाइम दे दिया प्रेस किया तो 4 घंटे बाद, आप 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आप जो टाइम दोगे उतने घंटे बाद मशीन मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे कितना हावर्स 4 मतलब 4 घंटे बाद मशीन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये रहा वाइट मैजिक रॉयल 6 kg का वर्लपूल ब्रांड इंस्टॉलेशन डेमो। दोस्तों अगर आपको लाइक वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। धन्यवाद दोस्तों।